नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग राजस्थान एपीओ की, इसके साथ ही साथ बात करूंगी राजस्थान की एडीजी की। एक बार फिर हमें मौका मिला है हमारे पुराने क्रिमिनल लॉ पढ़ने का। मैं जब अभी क्लास में पढ़ा रही थी तो मेरे मन में आया कि देखो कैसे विडम्बनाएं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, उसके आने के बाद भी अभी एक मौका और उसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि राजस्थान एपीओ में जब सिलेबस आ गया था और एग्जाम डेट फिक्स कर दी थी उन्होंने जनवरी 2025 में, तो इतने टाइम से हम भी रुके हुए थे कि क्या पता सिलेबस चेंज होगा, क्या पता नया नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन जब पता किया तो उन्होंने कहा कि अगर हमने सिलेबस पहले ही दे दिया है तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा। तो फिर फाइनली हम लोगों ने मेजर एक पढ़ना शुरू किया। बाकी बेस्ट तो हमने पहले भी एक शुरू किया था बट फिर हमने पढ़े नहीं थे मेजर एक, क्योंकि हमें डाउट था। फिर आया हमारे पास राजस्थान का एडीजे का एग्जाम, तो उसमें भी पुराने लॉज ही आ रहे हैं। तो इन दोनों को ध्यान में रखते एक नया बैच स्टार्ट किया मैंने जो आज से शुरू हो रहा है। अगर मान लीजिए आप इसको बाद में देखते हैं तो वो रिकॉर्डिंग मिल जाती है आपको, 3 दिन बाद भी ज्वाइन करोगे तो 3 डेज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वो कोई इशू नहीं आएगा। तो ये जो पैटर्न रहेगा प्री प्लस में साथ रहेगा, चाहे भाई डीजे लेंगे तो भी प्री प्लस माइन रहेगा, और अगर आप क्या बोलते हैं एपीओ लेते हो फिर भी प्री प्लस माइन रहेगा। एपीओ में एक अच्छी चीज़ और देखना, आप अपना एपीओ का सिलेबस उठा के देखना, उसमें उन्होंने पूरा का पूरा डिफाइन कर रखा है कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा सेक्शन पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, उसी वे में ही पढ़ना होता है। फिर भी आपको ये डाउट है कि नहीं नहीं कुछ भी पूछ सकते हैं तब तो पूरा पढ़ लेना, और जब आपको फेथ है कि नहीं मुझे इतना ही पढ़ना है तो उतना ही पढ़ लेना, ठीक है? ये आपकी भरोसे की जीत है, बाकी तो आपकी इच्छा। क्योंकि सिलेबस देने के बाद भी लोग फ़ोन करते हैं मैडम पूरा पढ़े कि इतना पढ़े, तो इसका मतलब आपको आरपीसी पे भरोसा नहीं है या फिर आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। आइए इसी कड़ी में स्टार्ट करते हैं हम इंडियन एविडेंस एक्ट। इस डायग्राम में जितनी चीज़ें बनी है इनमें से आपके नई नई करते भी 5 to 6 क्वेश्चन प्री के बनते हैं। कैसे बनते हैं बताती हूँ। इसका नाम है द इंडियन एविडेंस एक्ट, यानी इसका नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है सबसे पहला क्वेश्चन बनता है इसका एक्ट नंबर क्या है। एक्ट नंबर क्या होता है आप निकालो सेक्शन वन अपना। जब आप सेक्शन वन निकालेंगी तो आप देखो सेक्शन वन के ऊपर आपके ना एक्ट का नाम लिखा हुआ है। एक्ट का नाम आपको दिख रहा है, उस एक्ट के जस्ट नाम के नीचे देखो लिखा हुआ है 1872 का एक्ट नंबर वन। ये सारे एक्ट पे लिखा होता है, ये सारे एक्ट पे लिखा होता है। तो एक्ट नंबर वन क्या होते हैं आओ ये भी सिखाती हूँ। 1872 है हमारे पास। इस 1872 के अंदर बेटा बहुत सारे कानून बने थे। क्या कहा मैंने, इस 1872 यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक का ये टाइम पीरियड होता है, इसमें बहुत सारे कानून हमारे बने हुए होते हैं। ये जो बहुत सारे कानून जो होते हैं इनकी नंबरिंग लगती है। तो 1872 में जो नंबर वन पे बना था वो हमारा था ये वाला एक्ट, इसलिए इसका नाम हो गया 1872 नंबर वन, एक्ट नंबर वन हो गया, ठीक है? अब हर कानून में जाके देखना आपको ये नंबरिंग मिलेगी। फिर आता है कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये देखो इसके पास 3 पार्ट है, ये 3 पार्ट है। 3 पार्ट को इन्होंने चैप्टर्स में डिवाइड किया, 11 चैप्टर्स है इसके पास, टोटल 167 है। आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कि इंडियन एविडेंस एक्ट में कितने चैप्टर और कितने सेक्शंस हैं। अब आप कहेंगे ये कोई क्वेश्चन है, फिर भी गलत होता है। क्यों? जो स्टूडेंट होता है वो तो पूरा पढ़ता है, लेकिन जो कोर्ट में वकालत कर रहे हैं प्रैक्टिसिंग लॉयर है वो भी एपीपी का फॉर्म भरता है, लेकिन उसका गलत हो जाता है क्योंकि उसको कंसेप्ट पता है लेकिन ये चीज़ें नहीं पता है। और जो पढ़ने वाले बच्चे उनको बैरिक पता है कंसेप्ट नहीं पता है, तो ऐसे करके मिला जुला असर होता है और आप जो है पास फेल हो जाते हैं। और हाँ एपीओ के एग्जाम में जो है आपके नेगेटिव मार्क है या नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं एपीओ के एग्जाम में, शालिनी नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, है ना? क्योंकि आरपीसी नेगेटिव मार्किंग रखती है, तो इसमें उसी की जीत होती है जिसको एक एक बैरिक की चीज़ भी पता होती है, कंसेप्ट की जिसके क्लियर होते हैं। देन आता है आपके पास कमिंसमेंट, इसका कब हुआ, 1 सितंबर 1872 को हुआ था और एक्सटेंड पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में 1872 से नहीं है, जब 31 अक्टूबर 2019 के अंदर जब आर्टिकल 370 यानी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 370 हट गया था तब से ये इंडियन एविडेंस एक्ट पे बना जम्मू कश्मीर में भी लागू होने लगे, उससे पहले नहीं होता था। देन आता है आपके पास इसमें सिग्नेचर कब हुए थे, 15 मार्च 1872 को हुए। तो सिग्नेचर डेट भी पूछते हैं, कमिंसमेंट डेट भी पूछते हैं, अमेंडमेंट डेट भी पूछते हैं, सारी चीज़ें आती हैं। फिर आता है एक क्वेश्चन जो जेलों में इन लोगों ने पूछा था, क्योंकि एविडेंस एक्ट जेलों में भी थी, और ये पूछा था कि इंडियन एविडेंस एक्ट की ड्राफ्टिंग किसने की थी। तो लिखो सर जेम्स स्टीफन ने, लिखो सर जेम्स स्टीफन ने। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एग्जाम में ऑप्शन में ये भी आता है सर हेनरी मेन भी आता है, तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक ही नाम याद रखना है सर जेम्स स्टीफन। वैसे ही आपकी वो क्या बोलते हैं आईपीसी किसने ड्राफ्ट की, लॉर्ड मैकॉले ने, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और जो सीआरपीसी वो किसकी रिपोर्ट पे आई, जेल कपूर की रिपोर्ट पर। तो लिख दो तीनों ही,
आईपीसी लॉर्ड मेकाले और सीआरपीसी जेएल कपूर की रिपोर्ट से आई, जो सीआरपीसी 1973 है वो जेएल कपूर की रिपोर्ट से आई थी, ठीक है। अब आता है इंडियन एविडेंस एक्ट में अमेंडमेंट कौन कर सकता है, तो लिखो इंडियन एविडेंस एक्ट में जो अमेंडमेंट है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। ये कैसे पता चला कि इस पर अमेंडमेंट दोनों कर सकती है, तो उसका भी रीज़न बताती हूँ। ये हमारे समृद्धि सूची का विषय है, कभी सुना होगा ना लिस्ट, कौन क्रीन लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, सुना है ना आपने, तो ये हमारा जो है कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। राज्य समृद्धि सूची का सब्जेक्ट नंबर 12 है, इसलिए इसमें अमेंडमेंट, क्योंकि समृद्धि सूची जो होती है कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है इसमें अमेंडमेंट कौन कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों कर सकती है, लॉ बना सकती है, तो अमेंडमेंट भी दोनों कर सकती है। फिर हमारे कोर्स में आईपीसी भी है, आईपीसी नंबर 1 पर है और सीआरपीसी नंबर 2 पर है, किसके कॉन्करेंट लिस्ट, तो 1 और 2 दोनों मिला के 12 बन गई, तो तीनों याद हो गई, कितना ईजी हुआ याद करना। 1 पर हमारा आईपीसी है, 2 पे हमारा सीआरपीसी है, 1, 2, 12 हमारा एविडेंस एक्ट है, और इन तीनों में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अमेंडमेंट कर सकती हैं। यही हमारा प्री का क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। फिर आता है इसके पास 3 पार्ट, पहला पार्ट क्या कहता है, पहला पार्ट कहता है मैं हूँ रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, तथ्यों की सुसंगति 1 से 55, ठीक है। दूसरा पार्ट कहता है ऑन प्रूफ सबूत के विषय में 56 से 100, और तीसरा कहता है आपके पास प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस 101 से 167। तो आपने कभी आर्बिट्रेशन एक्ट पढ़ा, आर्बिट्रेशन एक्ट ना उनको भी पार्ट में डिवाइड किया है, फिर पार्ट से चैप्टर। आपने कभी एसआरए पढ़ा, एसआरए भी देखना पहले पार्ट से देन चैप्टर है, और यहाँ पर भी पहले पार्ट है फिर चैप्टर है। अरे हमारे वो कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना, वो पार्ट्स हैं और पार्ट्स के अंदर चैप्टर्स है, तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास लॉज हैं जहाँ पहले पार्ट्स होते हैं देन चैप्टर होते हैं, कहीं ऐसे भी है जो सीधा चैप्टर्स होता है, सीआरपीसी सीधा चैप्टर है, हमारा आईपीसी सीधा चैप्टर है, तो एक अलग इनकी ड्राफ्टिंग है, वो डिपेंड ऑन होता है कि उनको कैसे उनको ड्राफ्ट करना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। फिर जो पार्ट 1 है उसके पास 2 चैप्टर है, जो पार्ट नंबर 2 है इसके पास 3, 4, 5, 6 यानी 4 चैप्टर है, और जो पार्ट 3 है इसके पास हमारे 7, 8, 9, 10, 11 यानी इसके पास 5 चैप्टर है, तो 2 इसके पास है, 4 इसके पास है और 5 इसके पास है, ये करके 11 चैप्टर बन जाते हैं। दिखने में सबसे छोटा है 167, लेकिन जब पढ़ने बैठते हैं ना तो ख़त्म ही नहीं होता है, ऐसा लगता है बाप रे इतना छोटा है तो अभी कर लेंगे, 2 दिन में रिवाइज हो जाएगा, लेकिन पढ़ने बैठो तो 2 क्या 20 दिन में भी रिवाइज नहीं होता है, क्योंकि जो कहते हैं जितना छोटा होता उतना खोटा, कहना सो छोटा बच्चा जान के हमको आँख ना दिखाना, अरे ये एकदम छोटा, ये मैं सोचता हूँ हाथों हाथ रिविजन हो जाएगा, नहीं करता ये रिविजन, क्योंकि इसका 5 से 55 ही खतरनाक है। देन आता है चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी, 1, 2 का 4। अब देखो जब भी कोई कानून पढ़ते सबसे ज़्यादा काम का उसका प्रीलिमिनरी होता है, क्योंकि वो बताता है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे पास क्या क्या डेफिनेशन है। जब आपने 12th तक स्टडी की, या आपने बीकॉम किया होगा, या आपने बीएससी किया होगा, या आपने क्या बोलते हैं बीए किया होगा, तो क्या वहाँ आपको पता चलेगा कभी कि प्रूफ क्या होता है, डिसप्रूफ क्या होता है, नॉट प्रूफ क्या होता है, रेलेवेंट क्या होता है, फैक्ट इन इश्यू क्या होता है, फैक्ट क्या होता है। आपने तो हमेशा इनफैक्ट शब्द सुना है, फैक्ट सुना ही नहीं है, है ना, इनफैक्ट ऐसा हुआ, इंग्लिश वाले बच्चे टैट करते हैं इनफैक्ट ये इनफैक्ट है। तो जब भी आप कानून की घर की तरफ कदम रखोगे तो कानून अपने घर का इंट्रोडक्शन तो देगा कि नहीं देगा, तो वो जितना भी लॉ पढ़ोगे उसका जो मेन पार्ट होता है प्रीलिमिनरी, और प्रीलिमिनरी के अंदर वो बताता है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा नाम क्या है, और साथ में एक डेफिनेशन बताता है कि भैया मेरे यहाँ पे जो चीज़ें उसको बोलते क्या है आप समझ लो, उसका आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे सेक्शन 1, 2 का 4। अपन ना पढ़ते ना प्रिडक्शन, मेरी प्रिडक्शन आज बारिश आएगी यानी भविष्यवाणी, तो जैसे अपन आम जनता जो आम लोग जो सोचते प्रिडक्शन, वैसे लोग करती प्रिजम्पशन उपधारणा कि शायद इसने ऑफेंस किया तो ये हुआ होगा, इसने ऑफेंस किया तो ऐसा, तो वहाँ पे हमेशा क्या चलती प्रिजम्पशन। तो वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे 1, 2 का 4। तो सेक्शन 1 कहता मैं शॉर्ट टाइटल हूँ, 2 कहता मैं तो रिपील हो गए 1938 में, इसको याद भी ऐसे ही करना है क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सेक्शन 2 कब रिपील हुआ। सेक्शन 3 कहता मैं इंटरप्रिटेट करूंगा आपको यानी डिफाइन करूंगा, और चैप्टर सेक्शन 4 कहता मैं आपको प्रिजम्पशन बताऊंगा कि ठीक कैसा। फिर चलते हैं हम लोग नंबर 2 चैप्टर, वो होता है रेलेवेंसी इफेक्ट 5 to 55। ये रेलेवेंसी इफेक्ट का क्या मतलब होता है सुनो, राम ने श्याम का मर्डर किया, क्या कहा, राम ने श्याम को मारा, मार दिया, देखा किसने, अक्षिता ने, और किसने, शालिनी ने, और किसने, शिव ने देखा, ठीक है। अब इनकी एविडेंस शुरू होती है, इनको उससे अच्छा कहाँ मारा गया, बोला भाटी भवन में,
इनसे पूछे भाटी भवन कहाँ है, इन्होंने बताया यहाँ पर है। बोला भाटी भवन का एरिया कितना बड़ा है, इन्होंने कहा इतना बड़ा है। बोला अच्छा राम ने जब श्याम को मारा तो राम के कपड़े कैसे पहने हुए थे, इन्होंने बताया कपड़े। बोला कौन से कमरे में मारा, कमरा बताया। फिर इनसे पूछा कमरा कितने बाय कितने का, इन्होंने कहा इतने बाय इतने का। अच्छा कितने वहाँ पर्दे लगे, उन्होंने बताया। ये सब रेलिवेंट है। अच्छा शिव ये बताओ तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है, तुम सुबह किसके साथ घूमते हो, शाम को किसके साथ, ये इररिलेवेंट है। तो सेक्शन 5255 कहता है कि भैया इस इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर जो रिलेवेंट फैक्ट होगा वही एडमिशेबल होगा, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं। तो ये रेलेवेंसी कौन सी है, ये रेलेवेंसी इधर उधर की नहीं है, ये रेलेवेंसी तुम्हारे 6255 में जो आएगी। फाइव कहता है कि वो रेलेवेंसी जो 6 से लेकर 55 में आती हैं, जो किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस की बात करती हैं, वो हमारे लिए क्या होगी, एडमिशेबल होगी। तो हमारे पास तीन चीज़ें हैं। जब पूछे चैप्टर क्या है रेलेवेंस ऑफ एक्ट 1255, जब पूछे रेलेवेंसी की कनेक्टिविटी क्या है, जो डेफिनेशन पढ़ेंगे 5 से 55, और जब सेक्शन 5 से पूछेंगे कि रेलेवेंसी किसकी बात करता है, किसी फैक्ट और एग्जिस्टेंस, फैक्ट के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस की, तो हमारा आंसर होगा 6255। इसलिए बहुत कन्फ्यूजिंग है कि भैया रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट आप 1 से 55 में भी देखोगे, रेलेवेंसी फैक्ट आप 5 से 55 में भी देखोगे, और रेलेवेंसी फैक्ट 6 to 55 में भी देखोगे। तो तीनों के क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं, उस हिसाब से इनका आंसर लिखा जाता है। देन आता है आपके पास, वो डिटेल पढ़ाऊंगी ना तो बताऊंगी और आपको, है ना, क्लास में। फिर आता है आपके पास चैप्टर नंबर 2, पार्ट नंबर 2 कहता 5600 सबूत के विषय में। तब देखो, वैसे तो इंडियन एविडेंस एक्ट एक शब्द में मैं बोलूँ तो ये प्रोसीजर लॉ है। कैसा लॉ है, प्रक्रियात्मक विधि है। ये किसका प्रोसीजर लॉ है, ये सिविल का भी प्रोसीजर लॉ है, ये क्रिमिनल का भी प्रोसीजर लॉ है। तो क्या कहा कि इंडियन एविडेंस एक्ट की जो नेचर है वो नेचर कैसी है, ये एक प्रोसीजर लॉ है, ये एक प्रक्रियात्मक विधि है, प्रक्रियात्मक विधि है, ठीक है। ये एक शब्द में बोलूँ तो, लेकिन जब आप इसको पढ़ते हो ना बेटा, तो 1255 इसका सब्सटेंटिव पार्ट बताता है। ये चीजें जो चीजें बताता है उसको बोलते हैं सब्सटेंटिव। तो 1 से 55 हमें चीजें बताता है, 5600 वो बताता है हाउ टू प्रोड्यूस, आप अपनी बातों को कोर्ट में कैसे लेके जाओगे, बोल करके लिख करके कैसे लेके जाओगे। और जो 101 से 167 है वो एक्चुअल में प्रोसीजर बताता है। तो तीनों को जो पढ़ने बैठते, वैसे हमारा सीपीसी है, सीपीसी की जो सेक्शन है वो हमें सब्सटेंटिव पार्ट है, और उसका जो क्या बोलते हैं आपके ऑर्डर है वो प्रोसीजर है। लेकिन एक शब्द में प्री के लिए हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोसीजर लॉ है। माना कि, क्या कहा मैंने, माना कि इसका चैप्टर नंबर 8 जो इसका एस्टोपल है वो सब्सटेंटिव लॉ है। क्या कहा, वो सब्सटेंटिव लॉ है, वो सारवान विधि है, वो सारवान विधि है। अब देखो, इंडियन एविडेंस एक्ट का चैप्टर नंबर 8 विबंध जो एस्टोपल है वो सारवान विधि है, वो सब्सटेंटिव पार्ट है। उसके बाद भी प्री के लिए हमारा एविडेंस एक्ट प्रोसीजर लॉ है, ना कि क्वाजी प्रोसीजर, क्वाजी सब्सटेंटिव नहीं बोलेंगे, ये पूरा प्रोसीजर लॉ ही काउंट होगा प्री के लिए। हाँ, क्वेश्चन आता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट का कौन सा चैप्टर है जो सब्सटेंटिव पार्ट है, तो आप बकायदा बताना इसका एस्टोपल जो है वो सब्सटेंटिव लॉ है, ठीक है, बाकी हमारा प्रोसीजर है, ठीक है। अब मैं बार बार कह रही हूँ प्रोसीजर सब्सटेंटिव तो क्या है, तो लॉ 2 टाइप के होते हैं। एक होता प्रक्रियात्मक विधि जिसको प्रोसीजर लॉ कहते हैं, एक होता सब्सटेंटिव लॉ जिसे हम क्या कहते हैं आपके सारवान विधि, ठीक है। तो जो चीज़ें डिफाइन करती हैं, जो डिफाइन करती है जैसे पनिशमेंट को, राइट्स को, लाइबिलिटीज को, ड्यूटीज को, दैट इज अ कॉल आपका सब्सटेंटिव पार्ट। और सब्सटेंटिव पार्ट को जो एनफोर्स करती है दैट इज अ कॉल आपका प्रोसीजर लॉ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आता आपके पास ऑन प्रूफ के अंदर 5600 में पहला आता है चैप्टर 3, क्या कहता है, फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, तथ्य जिनका साबित करना आवश्यक नहीं है। अब सुनो क्या है, बोला दिन है, आंखें बंद कर ले रात हो जाएगी, तो आंखें बंद की रात नहीं हुई ना, देखा दिन ही है, ऐसे एक डायलॉग मारा जाता है। ठीक वैसे ही शालिनी आती है, ये क्या पहन के आइए, अरे वो तो दिख रहा है क्या पहन के आइए, लोग ऐसे ही पूछते हैं। एक बार की बात है, शालिनी बीरबल से अकबर ने कहा कि तुम मुझे ये बताओ इस संसार में या हमारे शहर में कितने अंधे लोग हैं। तो बीरबल ने कहा कि साहब कौन से अंधे लोग चाहिए, आंखों वाले अंधे या बिना आंखों वाले। तो अकबर ने कहा मतलब, तो बोला बताता हूँ, जैसे कि शालिनी पढ़ाई कर रही है, क्या कर रही है शालिनी, अरे दिख रहा है पढ़ाई कर रही है, आंखों से दिख रहा है। हम कभी है ना ड्रेस पहन के जाते, ये क्या पहन के आई, अरे तो दिख तो रहा है मैं पहन के आई हूँ, तेरे सामने तो है। तो कुछ लोगों की आदत होती है,
हम काम करें फिर भी पूछेंगे। तो बीरबल ने कहा, साहब हमारे पास आंखों के अंधे ज्यादा हैं, सब कुछ पता है फिर भी पूछते हैं क्या कर रहे हो। ठीक है, तो ये भी कहता है फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव, जो कोर्ट के सामने ही सब चीजें हैं जिनको कोर्ट खुद जुडिशियल नोटिस कर सकता है, उनको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। 56 कहता है, 57 कहता है साहब हॉलीडे है, साहब 26 जनवरी है, साहब 15 अगस्त है, फिक्स है ये, साहब युद्ध हुआ है, साहब कोर्ट की सीलें दिखाई दे रही हैं, इनको प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस आप जो भी कोर्ट के सामने बात रखोगे उसका सबूत आपको देना पड़ेगा। 57, 58 कहता है कि बंदा खुद ही आके कोर्ट के सामने एडमिशन करता है, जज साहब मेरे द्वारा ये किया गया है, तो क्या उसको प्रूफ करने की जरूरत है? नहीं, जब कहने जिसने जो कुछ डिफॉल्ट किया है वो खुद ही आके बोल रहा है आपको, तो अलग से प्रूफ करने की क्या जरूरत है। हाँ, ये कोर्ट का डिस्क्रिशन पा रहे हैं कि वो उसे सबूत मांग सकते हैं, क्यों? कभी कभी कोई किसी से पैसे लेके भी तो झूठ बोल सकता है, पैसे लेके भी तो झूठा एडमिशन कर सकता है, वो अलग बात है। तो 56 से 58 कहता है कि फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं जिनको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होती है। देन आता आपके पास चैप्टर 4 कहता है मैं हूं आपका ओरल एविडेंस, यानी कोर्ट में जो भी बोलोगे ओरली बोलो, और जो रिटन में वो आपको डॉक्यूमेंट्री देना पड़ेगा। आप मेरी यहाँ नौकरी के लिए आती है, बोलता है मैडम जी मैं 10वीं पास हूँ, तो मैं आपसे क्या मांगूंगी? डॉक्यूमेंट? मुंह से बोलने से 10वीं पास थोड़ी हो जाएगा, मुझे आपकी मार्कशीट चाहिए। तो ये कानून कहता है जो कुछ डॉक्यूमेंट में बोला क्या हो। तो आता आपके पास अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, ये कहता है जहां पे डॉक्यूमेंट्री काम हुआ है वहां मैं ओरल एविडेंस नहीं लूंगा। तो सबको कहता है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो जहां रिटर्न है वहां रिटर्न देना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने मुझसे एक प्लॉट खरीदा, एक मकान खरीदा, कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके अंदर हमारे डॉक्यूमेंट साइलेंट है, पूरी बात बताई नहीं रहा डॉक्यूमेंट, तो कभी कभी हम उनका ओरल एविडेंस भी दे सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे एम्बिग्युटी। क्या पढ़ेंगे हम? दो तरह के होते हैं, एक लेटेंट और एक पेटेंट। एक एम्बिग्युटी ऐसी होगी जिसका एविडेंस नहीं देने दिया जाएगा, और एक एम्बिग्युटी ऐसी होगी जिनका हम एविडेंस दे सकते हैं। हिंदी बोलते हैं प्रत्यक्ष संदिग्धता और अप्रत्यक्ष संदिग्धता। ठीक है, यह आया हमारा 56 से लेकर 100 तक। तो यहाँ पे हमने क्या क्या प्रूफ बताया कि भैया कौन से फैक्ट है जिसके प्रूफ की जरूरत नहीं है, है तो मैं ओरल आके दूंगी, रिटर्न में तो रिटर्न दूंगी, और जो रिटर्न है उसका ओरल नहीं देंगे। हो गए चारों चैप्टर, पता भी नहीं चला। अब आता आपके पास, अब हम कोर्ट चले, कोर्ट पे जाके क्या किया हमने? चीजों का प्रोडक्शन किया। तो जब प्रोडक्शन करते तो उसका इफेक्ट आएगा, तो चैप्टर कहता है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 से। चैप्टर 7 कहता है कि भैया कोर्ट में जब तुम आते हो तो सबूत कौन लेके आएगा, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है? तो हमारे यहाँ पे डिवाइडेड है कि क्रिमिनल मैटर में बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पर होता है, और सिविल मैटर में बर्डन ऑफ प्रूफ आपके प्लेंटिफ पे होता है। लेकिन वक्त बदलता है, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे एक अक्यूज्ड है, उसको अक्यूज्ड बन गया, उसने कहा सर जब मैंने मर्डर किया तो मैं मेंटली डिसेबल था, अनसाउंड था, तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ इस पर है अक्यूज्ड। जबकि अभी मैंने क्या कहा कि क्रिमिनल मैटर में बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे होता है, लेकिन जब अक्यूज्ड चाहता है किसका बेनिफिट चाहता है, आईपीसी के चैप्टर नंबर 4 का एक्सेप्शन का, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे चला जाता है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ एंड ऑनर्स ऑफ प्रूफ। सबूत का भार किस पर होता है? सिंपल लैंग्वेज में सिविल मैटर में प्लेंटिफ और क्रिमिनल मैटर में प्रोसिक्यूशन पे होता है, बट ड्यूरिंग ट्रायल बदल सकता है, या फिर 102 में जब दोनों में से किसी भी और से एविडेंस न दिया जाए तो जो फेलियर होगा बर्डन ऑफ प्रूफ वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बात करता है 101 से 114 ए तक। फिर एक बार जो कह दिया सो कह दिया, अब आप पीछे नहीं हट सकते। गणेश जी जो थे ना, भोलेनाथ जी के जो बेटे थे, गणेश जी शिव पार्वती जी के जो बेटे थे, तो उनका पहले तो वो मनुष्य रूप में ही थे ना, उनका चेहरा भी हमारे जैसे ही था। तो माँ पार्वती जी ने उनको जो है बाहर बिठा दिया, बोला मैं नहाने जा रही हूँ, तुम ध्यान रखना और तुम किसी को अंदर मत आने देना। तो गणेश जी हमारे वचन के बड़े पक्के थे, एक तो हमारे गणेश जी, एक हमारे राम जी, ये वचनों को बड़े निभाते थे। तो गणेश जी ने कहा माँ मैं आपको वचन देता हूँ कुछ भी हो जाए कोई अंदर नहीं आएगा। उस वचन के चक्कर में भोलेनाथ ने गुस्से में उनका सर काट दिया। तो वो क्या बन गए? वो बन गए हमारे गजानंद के रूप में हमारे सामने आ गए। तो एक बार कह दिया सो कह दिया, वो बदल नहीं सकता, दैट इज एस्ट्रोपल, ये हमारा एस्ट्रोपल है। एस्ट्रोपल भी ये कहता है तीर कमान से बार जवान से आत्मा से निकल के वापस नहीं आ सकती, लेकिन अब तो एक्सेप्शन भी है वापस आ जाती है, इसके भी एक दो एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, तो ये आता 115 से 117। ये एस्ट्रोपल हम यहाँ पर भी पढ़ते हैं, ये पार्टनरशिप एक्ट में भी पढ़ते हैं, ये ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 43 में पढ़ते हैं, तो बहुत सी जगह पे आपको देखने को ये मिलता है। देन आता आपके पास चैप्टर 9 कहता है कि भैया तूने प्रूफ दिया, एस्ट्रोपल हो गया, अब किसको बुलाएगा? बोला मेरे पास विटनेसेस है सर, आपको तो बुला लूँ, चल बुला ले। क्या कहा? 118 से 134, ये बताएगा कौन विटनेस हो सकता है, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, बूढ़ा आदमी, जवान आदमी, महिला पुरुष, कौन?
कौन कौन हो सकता है, कौन कौन नहीं हो सकता, कितने विटनेसेस चाहिए, क्या चाहिए, सबके बारे में। वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकता है, जज साहब हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्या बोलते हैं आपके, एडवोकेट हो सकता है, लीगल एडवाइजर हो सकता है, नहीं, इन सब के बारे में आएगा हमारा 118 से 134। अब विटनेसेस आगे कोर्ट के सामने खड़े हो गए तो जज साहब क्या उनकी आरती उतारेंगे ना, तो उनसे सवाल पूछेंगे यानी एग्जामिनेशन करेंगे। तो चैप्टर 10 कहता है विटनेसेस की एग्जामिनेशन की जाएगी 135 से 166। ये एग्जामिनेशन है ना, हम सीपीसी में भी पढ़ते हैं, सीपीसी में भी हमारे पास दो ऑर्डर है जो एग्जामिनेशन की बात करता है, ऑर्डर नंबर 10, ऑर्डर नंबर 18, वहां पर भी एग्जामिनेशन की जाती है। कहां से कहां तक, 135 से 166। अब इतनी सारी प्रोसीडिंग की, देखो गलतियां तो होती ही है प्रोसीडिंग करने में, प्रोसीडिंग करने वाला मनुष्य है, तो क्या कहता है, इम्प्रॉपर एडमिशन हो गया, इम्प्रॉपर रिजेक्शन हो गया, तो क्या ट्रायल वापस करनी पड़ेगी या उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो कहता है यदि जस्टिस हो गया तो ट्रायल वापस करने की आवश्यकता नहीं, बट यदि जस्टिस नहीं हुआ तो फिर न्यू ट्रायल करनी पड़ेगी। ठीक वैसे सीआरपीसी भी कहता है चार्ज गलत फ्रेम हो गए तो, जस्टिस हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो चेंज कर देंगे 215 में, वो की वो बात हमारे कहता है 465, जस्टिस हुआ या नहीं हुआ, 464, जस्टिस हुआ नहीं, पूरा चैप्टर यही है हमारा इरेगुलर प्रोसीडिंग वाला, जस्टिस हुआ है नो चेंज, नहीं हुआ है करो चेंज, ये भी यही कहता है 167। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों का आज से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो प्री प्लस मेन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, वो सब चीज़ें हम लोग रीडिंग कराते हैं। एक्चुअली हम लोगों का जो पढ़ने का वे है ना, वो एक है रीडिंग कराने का। रीज़न ये बेटा कि अगर मैं आप सो सिर्फ कंसेप्ट समझा दूँ और कहूँ पढ़ लो तो बैरे खुद से नहीं पढ़े जाते, उसमें नींद आने लग जाती है। तो हम लोग थोड़ा बच्चों स्कूल में बच्चों की तरह पढ़ते हैं, कई लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आता हमारा पैटर्न, बट हम ये कहते हैं जैसे मैंने एक सेक्शन है मैंने समझा दिया, समझाने के बाद भी जैसे मुझे लगता है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्री प्लस मेन का क्वेश्चन बनता है, तो मैं हिंदी में भी पढ़ाऊंगी, मैं इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगी, और जहाँ मुझे लगेगा ये ज़्यादा काम का नहीं है तो फिर उसको समझा के उसका जो मेन आंसर है वो लिखवा देती हूँ। तो इस तरह से हम लोगों का आज बैच स्टार्ट हुआ है। ये एपीओ का बैच लगभग हमारा चलेगा 4 महीने, टाइमिंग फिलहाल इसकी है 11 से 1, लेकिन अभी कुछ दूसरे बैचेस चल रहे इसलिए, बाकी जनरल इसका टाइमिंग रहेगा 10:30 से 12:30, और हो सकता 10 से 12, मतलब लास्ट 10 से 12 का हमारा टारगेट है, उससे ज़्यादा हम ना रखें, नहीं तो 10:30 से 12:30 रहेगी। ये टाइमिंग ऐसा है कि हर किसी को सूट नहीं होता, कई बच्चों का मैसेज आया है तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, जैसे ही क्लास खत्म हाथों हाथ रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है, फिर आपको कभी लगता है सवाल पूछना आप आके पूछ सकते हैं। हमारा रूटीन रहेगा कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक इसकी क्लास लेंगे और सैटरडे को पेपर देंगे, जिसमें प्री प्लस मेन दोनों होगा, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा इसको ना चेंज कर रही हूँ, क्योंकि संडे को सैटरडे को टेस्ट देना है, मतलब देना है, क्योंकि प्री निकल गया मेन नहीं निकला, तो क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बात है इंटरव्यू नहीं है तो और क्या चाहिए, तो पूरी आपकी मेहनत मेन की होनी चाहिए। एक तो ना प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू तो टेंशन है, इंटरव्यू तो है ही नहीं, तो सारा खेल तो आपका मेन का ही है, तो कोशिश है कि हम साथ साथ करेंगे। अब मेन में कई बार आप टाइम नहीं दे पाते हैं, आपके पास बहुत सारे काम हैं, तो हम उसको टारगेट करेंगे देख के लिखो, पर सैटरडे को लिखना ही है और मैं भी तक सैटरडे को पेपर देना ही देना है, कई बार मेरे भी एंड्स पे रह जाता है, बहुत सारा काम हो जाता है, मैं भी नहीं दे पाती, तो दोनों मिलकर करेंगे, मुझे पेपर देना है आपको पेपर लिखना है। तो इस क्लास की फीस क्या है, क्लास कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, साथ साथ एडीजे के लिए, क्योंकि ये तीनों कॉमन चलेंगे, तीनों ही एडीजे में काम आएंगे, तो उनके भी साथ साथ रहेगा, और वो भी प्री प्लस में, क्योंकि वहाँ पर भी यही है, प्री निकल गए तो मेन में तो लिखना ही पड़ेगा, तो दोनों लोग इनको ज्वाइन कर सकते हैं। एडीजे वालों के पास भी समय नहीं होता है तो वो क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग का जो हमारा सिस्टम रहता है कि आपका टिल एग्ज़ाम रहेगा, ये एग्ज़ाम जनवरी में, तो जनवरी तक रिकॉर्डिंग रहेगी, और एडीजे का एग्ज़ाम जब तक है आपका प्री प्लस में तब तक ये रहेगा। एक वीडियो 5 टाइम देख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देख सकते। आपके जो पेपर आएंगे वो ऐप पर ही आएंगे, वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, इसके एपीओ के बेच के भी और एडीजे के बेच के भी। इसके अलावा क्लास को लेके कोई भी आपको जानकारी चाहिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए